हेलो गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है कैडी और आप देख रहे हैं कैडी बॉलीवुड। 150 किलो का सिंगर बादशाह बनने जा रहा है पाकिस्तान का दामाद। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लो। हमने स्पेशल पाकिस्तान से मंगाया था। ये वीडियो तो देख ली है और ये मेरी वाली वीडियो भी ना पूरी देख लेना, मजा आने वाला है। मेरा नाम है कैडी और आप देख रहे हैं कैडी बॉलीवुड। आइए देखते हैं, बैठ से मजा आएगा। बादशाह भाई, शायद आपके गानों से मैं इत्तेफाक ना रखता हूँ। आपने शायद कोई गाना एक आधा कोई अच्छा बना दिया हो, बाकी तो आपके सारे गाने वाहियात होते हैं। लेकिन आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के दामाद बनने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बात को सुनकर काफी दिल को खुशी हुई। और जो पाकिस्तान की उम्दा एक्टर, सीरियल के अच्छी एक्टर, मुझे भी काफी अच्छी उनकी एक्टिंग लगती है, काफी अच्छा उनका लुक है, काफी खूबसूरत है वो, हानिया आमिर। जी हाँ, उनके साथ इनकी फोटोज नजर आ रही हैं। हानिया आमिर के साथ ये मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अभी फिलहाल में सुनने में आया कि उनके साथ दुबई, उनसे मिलने चले गए। दुबई में इनकी डेटिंग वेटिंग सेटिंग हो रही है। तो बादशाह भाई, आपने भले से जिंदगी में कोई काम अच्छा ना करा हो, आप गोबर जैसे दिखते हो, आपकी शक्ल वाहियात हो, आप गाने वाहियात गाते हो, आप 150 किलो के हो, आप हाथी के बच्चे नजर आते हो, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा करा, पाकिस्तान के दामाद बनने वाले। एक सानिया मिर्जा थी जिन्होंने हमारा सर बेइज्जती से झुका दिया था जब वो पाकिस्तान की बहू बन गई थी, लेकिन आपने तो हमारा सर गर्व से उठा दिया। लेकिन यार, मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई, इंडिया में भी काफी अच्छी अच्छी हीरोइन थी, क्या इंडिया में आपको कोई घास नहीं डालता, या आप कोई प्लान बना के पाकिस्तान गए हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मेरे भाई, कोई खुन्नस आपने पाकिस्तान से निकालनी है, जो आप पाकिस्तान चले गए हो, पाकिस्तान की लोंडिया शोंडिया पटा रहे हो। और मुझे नहीं पता आपका इरादा क्या है, लेकिन आपकी चॉइस बड़ी जबरदस्त है यार। हानिया आमिर की लुक बड़ी जबरदस्त है। हानिया आमिर एक अच्छी एक्टर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और ज्यादातर इंडिया में भी सारे लड़के उन्हें पसंद करते हैं। पता नहीं उन्हें देख कर क्या क्या करते हैं, ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हानिया आमिर को लोग पसंद करते हैं। काफ़ी सीरियल में मैंने उन्हें देखा, उनकी एक्टिंग बड़ी उम्दा एक्टिंग है। लेकिन मेरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चलिए हानिया आमिर को तो आपने पसंद किया, हानिया आमिर ने आपके अंदर क्या पसंद किया? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शायद बढ़ती तोंद उन्हें पसंद आ गई, उनकी कहीं वो जाएंगी तो उन्हें हाथी की सवारी के लिए हाथी नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपकी कमर पे बैठेंगी और इंजॉयमेंट करेंगी। या उन्हें ऐसा लगा होगा कि कभी भूकंप वगैरह आ गया और जमीन वगैरह खिसक गई, जमीन नहीं तो आपको लेटाकर आपके ऊपर वो चल सकती हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो शायद उन्होंने कोई नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर रखा हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हानिया आमिर ने आपके अंदर क्या देखा। यार, जब तुम हंसते हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई दरियाली घोड़ा अपने आगे के दांत दिखा रहा हो। देखा कभी आपने दरियाली घोड़े को हंसते हुए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इस तरह से आप नजर आते हैं। लेकिन यार, आपकी ये डिसीजन मुझे बहुत प्यारा लगा, और हिंदुस्तान के हर बंदे को आपका ये डिसीजन बड़ा प्यारा लगा। आपने जिंदगी में शायद ही कोई काम अच्छा करा हो, लेकिन एक काम बहुत अच्छा करा, ये हानिया आमिर को पटा के, इन शेटिंग वेटिंग कर। लेकिन एक गुजारिश है मेरे भाई, अगर आपने यहाँ तक कदम उठाया है तो इनसे शादी कर लेना, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हाँ, इन्हें हिंदुस्तान की बहू बना देना, या टाइम पास करके ना निकल मत जाना है, हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि आपने कुछ करा है। और मैंने अगर ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाई है या अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम था कैडी और आप देख रहे हैं कैडी बॉलीवुड।